वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदिता हाफ। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में, यूरोप महाद्वीप से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे एग्जामिनेशन में आएंगे। यूरोप महाद्वीप हमारा 6वां महाद्वीप पड़ेगा और सबसे पहला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। यूरोप के पहले जो हमारे 5 महाद्वीप हैं, इन सब का डिटेल मैं अपने प्लेलिस्ट में दे दी हूँ, जिसको जानना है वो प्लेलिस्ट से जाके देख लेगा। और आज तो हम यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं, 7वां महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, एंड वो हमारा लास्ट महाद्वीप हुआ। ठीक है, तो आज चलिए जान लेते हैं इम्पोर्टेंट यूरोप महाद्वीप के बारे में कुछ बातें। चलिए हम जानते हैं कि यूरोप महाद्वीप के बारे में जो कि हमारे पहला पॉइंट क्या दिया है इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्जाम में अगर जरूरी है तो इससे जुड़े ही क्वेश्चन आएंगे। अगर यूरोप महाद्वीप पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके आपको हेल्प करेगा एग्जाम पर्पज़ से। ठीक है, तो पहला पॉइंट देख लेते हैं कि यूरोप एक मात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होने के साथ साथ समृद्धता भी है। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होने के साथ साथ समृद्धता भी है। समृद्धता मीन्स एफिलिएशन भी है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है कि इस महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना परसेंट है? 6.50% है। कितना परसेंट है? 6.50। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो हमारा प्रीवियस वीडियो था जो अंटार्कटिका महाद्वीप पे बना है, उसमें क्षेत्रफल कितना परसेंट बताया गया है। ठीक है, इससे आप डिफरेंस भी देख लेंगे कि डिफरेंस है कि नहीं है, है तो कितना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इस महाद्वीप पर कुल 50 देश हैं। इस महाद्वीप पर कितने हैं? कुल 50 देश हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट, यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है। पूछता है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन सुनने को मिलेगा ही कि यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है। और सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। और इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट सिक्स पॉइंट क्या है कि इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी ओल्गा का है। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी क्या है? ओल्गा का है। ठीक है, कहाँ का है? ओल्गा। सेवन पॉइंट क्या है कि यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रूस है। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप नोटिस कर लीजिए, माउंट एल्ब्रूस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील लैडोगा का है। कौन सा है? लैडोगा। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही लेके आई हूँ जो कि जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, नाइन, यहाँ पर वन, खनिज, उपजाऊ मिट्टी और जल बहुतायत है। मतलब जो हमारा यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप पर हमें वन, खनिज, उपजाऊ मिट्टी और जल, ये बहुत ज़्यादा संख्या में उपलब्ध है। ठीक है, आपको इसकी कमी महसूस नहीं होगी। पॉइंट नंबर 10 कि यूरोप के महत्वपूर्ण खनिज संसाधन, यूरोप के महत्वपूर्ण खनिज संसाधन कोयला, कॉमा लगा दीजिएगा, लौह अयस्क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। यूरोप के महत्वपूर्ण खनिज संसाधन का नाम पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा कौन कौन सा है, कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यूरोप महाद्वीप पर 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है। ठीक है, इस फिर अगले वीडियो में मैं ऑस्ट्रेलिया पे लेके आऊँगी। ठीक है, आप लोग को उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।